सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर के अकाउंट को रिकवर करने के लिए गेरिना में फॉर्म कैसे डाला जाता है। यस गाइस, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि रिकवर के लिए फॉर्म डालना पड़ता है, बट यस गाइस, रिकवर के लिए एक फॉर्म डालना पड़ता है जिसमें आपका अकाउंट अगर पूरा लॉस हो चुका है तब गाइस फ्री फायर आपका अकाउंट मेल आईडी पर डाल देता है। गाइस यस गाइस, आप में से बहुत सारे बंदे नहीं जानते हो इस फॉर्म को। तो अगर गाइस आपका अकाउंट पूरा लॉस हो चुका है, मतलब कि आपके अकाउंट में ना ही आपका नंबर है, ना ही आपका ईमेल एड्रेस है, मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा लॉस हो चुका है, आपके हाथ से पूरा अकाउंट निकल चुका है, तो आपको कैसे उसको रिकवर करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये सिचुएशन है गाइस 90% बंदों के साथ होता है। अगर उसका अकाउंट हैक होता है तो हैकर लोग गाइस तुरंत नंबर को चेंज करते हैं और मेल आईडी को भी चेंज करते हैं, उसके बाद गाइस आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा सब बंदों के साथ होती है। हैक होने के बाद बहुत कम चांसेस में नंबर वगैरह उसका डाला रहता है, चेंज नहीं होता है, जिसके वजह से वो लोग रिकवर कर लेते हैं। बट ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है गाइस कि आपके फेसबुक अकाउंट से मेल आईडी और नंबर दोनों चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद आपका अकाउंट पूरा आपके हाथ से चला जाता है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद गाइस आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है आप गेरिना फ्री फायर के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फॉर्म फिल करोगे, जिसके बाद गाइस आपका अकाउंट पूरा रिकवर हो जाता है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, गाइस बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। और आपको लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा अकाउंट हैक कैसे होगा। यस गाइस, मेरा फ्री फायर अकाउंट है, वो अकाउंट गाइस मेरा हैक हो गया था, और उसके बाद मैंने ये वाला वीडियो देखा, उसके बाद फॉर्म सबमिट किया, क्या हुआ कैसा हुआ हर चीज आपको बताऊंगा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मेरा अकाउंट रिकवर हुआ या नहीं हुआ। तो बस मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और मेरे चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, एक महीने से सब्सक्राइबर नहीं आया है, पूरा चैनल लॉस में हो रहा है गाइस, एक भी सब्सक्राइबर नहीं आया है एक महीने से, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, मतलब कि आपको अकाउंट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, कितना लेवल पे था, कितना डायमंड था, कौन से गिल्ड पर जुड़े थे, गिल्ड का आईडी क्या था, हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्म फिल करोगे और तभी गाइस आपका अकाउंट रिकवर होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं गाइस कि गेरिना के साइड से रिकवर अकाउंट वाला फॉर्म जो आता है उसको फिल कहां पर करना है। तो गाइस इसमें जाने के दो तीन रास्ते होते हैं, मतलब कि आप क्रोम से गेरिना के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके भी फॉर्म डाल सकते हो, या फिर गाइस फ्री फायर के अंदर अपने दोस्त अकाउंट ले लीजिए, या फिर किसी भी अपना गेस्ट आईडी बना लीजिए, या फिर नया अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद गाइस अंदर में कस्टमर सर्विस का ऑप्शन होता है, कस्टमर सर्विस का मतलब जितने बंदे खेल रहे हैं वहां पर उसको सर्विस दिया जाता है, कुछ कुछ दिक्कतें होती है वहां से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो वहां पर भी फॉर्म डालने का ऑप्शन रहता है। तो मैं अभी आपको क्रोम से जाकर दिखाता हूं, फ्री फायर अकाउंट रिकवर फॉर्म, यहां पर अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो उसके बाद आपके सामने ये जो दो तीन वेबसाइट आएगा इसमें कोई सा भी क्लिक करके देखना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस मतलब कि गेरिना का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां पर मैं गेम के साइड से करके दिखा रहा हूं, तो गेम में यहां पर आप देख सकते हो। तो अभी गाइस सबसे पहले आपको कस्टमर सर्विस के अंदर जाना है, थोड़ा सा आपका पेज लोडिंग होगा, उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो फ्री फायर का ऑफिशियल लोगो लगा है, मतलब कि समझ लीजिए फ्री फायर का आपका ऑफिशियल ये वेबसाइट है। तो आपको यहां पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, उसके बाद आपको यहां पर गेम कॉन्सर्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आपको जाना है। उसके बाद जैसा कि अभी हमें क्लिक कर लिया, यहां पर कुछ कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहां पर जाना है लॉस्ट एफबी अकाउंट में। यस गाइस, लॉस्ट एफबी अकाउंट में जाना है आपको, अगर कोई सा भी अकाउंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉस्ट एफबी अकाउंट में ही जाना है गाइस। इसमें अगर आपका अकाउंट जीमेल से लॉस्ट होता है, या फिर गेस्ट से लॉस्ट होता है, या फिर कोई भी अकाउंट से लॉस्ट होता है, तब भी आपको इसी में जाना है। उसके बाद गाइस आपको यहां पर ये सब कुछ स्क्रॉल कर देना है, उसके बाद आपको यहां पर सबमिट ए रिक्वेस्ट, मतलब कि आपको यहां पर फॉर्म डालने का ऑप्शन आएगा, मतलब किसी भी में आप गेम कॉन्सर्ट्स के अंदर कोई भी में जाते हो लॉस्ट गेस्ट अकाउंट, उसके बाद आपको सबमिट ए रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जाना है, उसमें आपको फॉर्म कैसे डालना है वो पता चलेगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ कि सबमिट ए रिक्वेस्ट पर, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कंट्री कौन सा सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं इंडिया का आपको सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका यूअर ईमेल एड्रेस, यस गाइस यूअर ईमेल एड्रेस, मतलब कि आपको एक सेफ ईमेल एड्रेस जानना है जिसमें आप गेरिना को रिप्लाई कर सको, गेरिना आपको मैसेज कर सके। तो आपको मेल आईडी का मतलब तो पता ही होगा, आपको एक मेल आईडी यहाँ पर डालना है @gmail.com करके। उसके बाद आपको यहाँ पर गाइस फ्री फायर प्लेयर आईडी, मतलब आपका जो अकाउंट लॉस हुआ है उसका आईडी डाल देना है, इन गेम नेम, गेम नेम अपना जैसा भी डिजाइनिश स्टाइलिश जो कुछ भी आपने किया था उसको कहीं से भी ढूंढ के लाना है, अपने दोस्तों के जो फ्रेंड लिस्ट में अगर वो होगा नेम, तो उसका आपको फोटो खींचे हो या आप किसी वीडियो एक रिकॉर्डिंग किए हो तो उसमें आपको नाम को सेम को टू सेम बनाकर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहा है टाइप ए रिक्वेस्ट, मतलब किस टाइप का आपको रिक्वेस्ट देना है, तो गेम कॉन्सर्ट्स में जाना है आपको, गेम्स कॉन्सर्ट्स में आपको दिक्कत है, तो उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्टेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि कौन सा प्रॉब्लम है आपको, तो टेक्निकल इश्यू में ही जाना है, टेक्निकल इश्यू में गए। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, फिर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या डालना है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने गेम का नाम डाल देना है, जो डिजाइनिश नेम था वो कर लेना डाल देना है। उसके बाद गाइस आपको अपना जो अभी का लेवल था जब लॉस हुआ तब उसका लेवल कितना था वो डालना है, कितने दिन बाद लॉस हुआ वो डालना है,
अपने गेम कब स्टार्ट किया था उसका भी डेट डाल देना है। मतलब नहीं जानते हो तो अभी थोड़ा दो चार आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जानते हो उसको कन्फर्म ही करना है। फिर आपका अकाउंट जब लॉस हुआ तो आपके अकाउंट में गोल्ड कितना था, डायमंड कितना था, और आप कौन से गिल्ड पर जुड़े थे, उस गिल्ड का नाम डालना है, उस गिल्ड का आईडी डालना है। उसके बाद गाइस आपका गिल्ड कौन सा लेवल पर था, उसके बाद गाइस आपका गिल्ड कौन सा लेवल पर था, उसके बाद आपने इलाइट पास लिया था कि नहीं लिया था, ये सब भी डालना है। मतलब कि आपने जब गेम आपका लॉस हुआ था, आईडी अपना लॉस हुआ था, तो कैरेक्टर कौन सा था, उसका लेवल कितना था, ये भी डालना है। मतलब कितना लेवल पर आपने उसे मैक्स कर लिया था, और आपका रैंक कितना था, रैंक क्लैश स्क्वाड दोनों का रैंक डाल सकते हो। अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट करके डालना है आपको, ये सब चीज़ डालना ही पड़ेगा। और आपका अकाउंट फेसबुक से है क्या से है, अगर आप उसका थोड़ा बहुत पासवर्ड भी जानते हो तो पासवर्ड को भी यहाँ पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पर हिंदी में भी नीचे में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि सर मेरा अकाउंट लॉस हो चुका है। अपने दिमाग में जो भी आता है वो लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट मारने से बस आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। उसके बाद कैसे आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद अटैचमेंट, अटैचमेंट में आपको क्या डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अटैचमेंट में डालना है कि आपको अपने जो गेम का फ्रंट का फोटो होता है उसको डाल देना है, और आपके जो गिल्ड जैसे किसी का प्रोफाइल ओपन करते हो तो आईडी दिखता है ना, वो वाला आपको आईडी डाल देना है, नंबर होता है वो डाल देना है। और गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको अपना आईडी का जो कोड होता है 10 अंक का वो भी डालना है गाइस, वो आपको डालना ही पड़ेगा। अटैचमेंट में ये सब का आपको डाल देना है। उसके बाद गाइस अपना गिल्ड का अगर फोटो रखे हो तो वो भी डाल देना है अटैचमेंट में। उसके बाद गाइस आपको सिंपल से जो सबमिट का बटन है वहां बस आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गरीना आपको एक या दो ओवर के बाद आपका मेल आईडी जिसमें आपने मेल लिखा है उस मेल आईडी पर आपको रिप्लाई करेगा। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपने वीडियो पूरा देखा होगा, आपको हर चीज पूरा अच्छे से पता चल गया होगा आईडी के बारे में, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। अगर गाइस आपका कुछ भी डाउट रह गया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए गाइस, प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। अगर कुछ भी आपका डाउट होगा, हैक वैक कैसे हो जाता है, ये सब के लिए सिक्योरिटी कैसे टाइट रखें अपने गेमिंग अकाउंट के लिए, तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। और गाइस मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर गाइस आपका गेमिंग अकाउंट आपसे रिकवर नहीं हो रहा है तो मुझे प्लीज बताइए गाइस, मैं आपका अकाउंट तुरंत रिकवर कर दूंगा। अगर आपके दोस्त या फिर किसी भी बंदे ने आपका अकाउंट हैक कर दिया है तो अगर आप रिकवर कराना चाहते हो गाइस, मैं आपका अकाउंट खुद रिकवर करके दूंगा गाइस, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस आप अपने डिटेल वगैरह देना, मुझे एक बार कमेंट बस कर दो गाइस, मैं आपका अकाउंट खुद रिकवर कर दूंगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है गाइस, प्लीज लाइक कर दो। और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, फ्री फायर के बेस्ट बेस्ट टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।